Assalamualaikum fans and viewers, welcome back to my channel and welcome back to the video. तो जैसे आपको पता है, इंडिया तो मैच जीत गई है, आसानी से जीत जाना चाहिए था, लेकिन वर मुश्किल से ही जीती है. लेकिन एक प्लेयर को मैं क्रेडिट दूंगा, वो है शुभमन गिल. शुभमन गिल ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है. जिस तरीके से उसने 200 किया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 200 किया. और ये बात आप सारे फैंस लिख लें कि शुभमन गिल इज द स्टार इन द मेकिंग, और वो बनेगा स्टार. और उसने प्रूव किया है कि वो एक बड़ा स्टार क्यों है, वो एक बड़ा प्लेयर क्यों है. क्रेडिट एक आदमी को जाता है, वो राहुल द्रविड है. मैं राहुल द्रविड की हमेशा एडमायर इस चीज को करता हूँ कि देखे, अंडर 19 लेवल पे उसने शुभमन गिल को बनाया है. शुभमन गिल राहुल द्रविड की कोचिंग के अंडर खेलता था, और शुभमन गिल ने वैसे ही अपना जो है ना टैलेंट को अपनाया है बड़े स्टेज पे. हाँ, कुछ फैंस उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि ये बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहा, लेकिन शुभमन गिल ने जैसा खेला है ना, बहुत ही ज़बरदस्त खेला है. और अगर मैं बात रोहित शर्मा ही करूँ, रोहित शर्मा ने भी 34 रन्स किए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि रोहित शर्मा वेल सेट. जब आप हो गए, जब आप इतना अच्छा स्टार्ट दे रहे, तो आपको लंबा स्कोर करना चाहिए था. वहाँ आके मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा ने वो मिस्टेक की थी, गलत बॉल पे आउट. मिचेल सैंटनर ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की थी मिडिल फेज ऑफ द इनिंग्स में, क्योंकि आपको पता है मिडिल फेज ऑफ द इनिंग्स में बॉलिंग करना जो है ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर से आपको स्कोर भी पड़ रहा होता है, ऊपर से स्कोर बैट्समैन शॉट मारे जाते हैं स्कोर बोर्ड को, दे आर कंटिन्यूसली टेकिंग द स्कोर बोर्ड. तो फिर स्पिनर का जो है ना बहुत बड़ा रोल होता है मिडिल ओवर्स ने. सूर्या कुमार यादव भी वेल सेटेड अच्छा खेल रहे थे, अच्छी शॉटें मार रहे थे, लेकिन सूर्या कुमार दिस इज नॉट T20, ये वनडे है. वनडे में आपको अपना टाइम लेके खेलना पड़ता है. अगर आप अपना टाइम लेके खेलेंगे तो बड़ा स्कोर हो जाएगा आराम से, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. लेकिन सूर्या कुमार यादव ने वही बहुत ही स्लॉपी किस्म की मिस्टेक की थी. अगर मैं शुभमन गिल की बात करूं, इंडिया ने जो भी स्कोर किया था 340 के करीब जो स्कोर किया था, ये सिर्फ शुभमन गिल की एफर्ट की वजह से हुआ था. अगर ये शुभमन गिल ना खड़ा होता क्रीज पर, ये 200 रन ना करता ना, ये जो है ना टीम इंडिया जो है ना 280 रन ही कर पाती. लेकिन शुभमन गिल की मैं एक और भी बात करता हूँ कि आप अगर ये देखें ना, शुभमन गिल ने जैसी इनिंग्स खेली है 200 रन, ये होता है. अब ईशान किशन ने भी 200 रन किए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, इन बांग्लादेश शुभमन गिल ने भी 200 रन किए थे. तो कम से कम सिस्टम ने कुछ तो दिया था ना, कम से कम सिस्टम में कोई तो बेहतरी लेके आए थे ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड. तो इसका मतलब यही है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड राइट ट्रैक की तरफ जा रहा है, और वो यंगस्टर को जो है कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, यंगस्टर को मौका दे रहे हैं, यंगस्टर को प्रॉपर एक रेडीमेड प्रोडक्ट को बना रहे हैं. तब ही इंडिया के जो है बल्लेबाज और टैलेंटेड क्रिकेटर्स प्रोड्यूस होते हैं, तभी वो लॉन्ग टर्म में जो है ना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं. यही मैं कहता हूँ कि शुभमन गिल इंडिया नेशनल टीम खेलने से पहले फर्स्ट क्लास खेला था, तभी इसको जो है ना ये बड़े रन करने आते हैं. क्योंकि अब जाहिरी बात है, जब आप अपने नेशनल टीम की तरफ से आप खेलते हैं, तो आपके लिए जो है ना नेशनल टीम में खेलना कोई नई चीज़ नहीं होती, क्योंकि आपके पास फर्स्ट क्लास लिस्ट ए का इतना एक्सपीरियंस होता है, आपके पास अंडर 19 लेवल का इतना एक्सपीरियंस होता है. आपने अंडर 19 लेवल पे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में खेले होते हो ना, तो आप क्लाइमेटाइज हो जाते हो. फिर जब आप बड़ी लेवल पे क्रिकेट खेलते हो तो कोई मसला नहीं होता. लेकिन एनीवे, शुभमन गिल को तो तालियां देनी चाहिए. पड़ोस मुल्क ताली दे रहा है, मैं पाकिस्तान से दे रहा हूँ आपको तालियां. बहुत ज़बरदस्त खेला, यू डिजर्व इट एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक. लेकिन फिर न्यूजीलैंड का स्टार्ट तो अच्छा था, लेकिन फिन एलन अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए. फिन एलन से मेरा ये है कि देखें, अगर आप 40 पे पहुंच गए हैं, ठीक है, कर लिया 40, लेकिन आपको 40 को 100 में कन्वर्ट करना है. अगर आप एक बड़ा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो अपनी टीम को आप मैच कैसे जिताएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. फिर सडनली इंडिया न्यूजीलैंड की लाइनें लगना शुरू हो गई. न्यूजीलैंड से तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला था. न्यूजीलैंड का तो ऐसे लग रहा था कि ये मैच जो है ना इनके हाथ से ही निकल जाएगा. मोहम्मद सिराज से भी मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ. मोहम्मद सिराज ने जैसी बॉलिंग की है, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है. मोहम्मद सिराज की मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगी है कि प्रॉपर लाइन एंड लेंथ पे बॉल की है, वो हिट द डेक वाला बॉलर है, राइट एरियाज में बॉल करता है, राइट लाइन एंड लेंथ पे बॉल करता है.
जो मुझे इसकी एक पहली चीज अच्छी लगती, दूसरी चीज मुझे सबसे इसकी अच्छी चीज ये लगती है कि ये आंखों में आंखें डाल के बॉलिंग करता है। जब ये बल्लेबाज जब बैटिंग कर रहा होता है ये आंखें डाल रहा होता है। यही एक फास्ट बॉलर को चाहिए होता है, फास्ट बॉलर को अग्रेशन चाहिए होता है, एटीट्यूड चाहिए होता है, तभी मैं समझता हूँ वो एक कंप्लीट फास्ट बॉलर, जिगरा चाहिए होता है। आप जैसे एग्जांपल शाहीन अफरीदी को देख लें, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये जिगरा दिखाते थे तो अपोजिशन के बल्लेबाज उनसे डरते थे, और वैसा ही सिराज ने किया। लेकिन फिर एक मोमेंट पे ऐसे लग रहा था कि टीम इंडिया जो है ना ये मैच आसानी से जीत गई है, लेकिन जिस प्लेयर को क्रेडिट दूंगा मैं दूंगा माइकल ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल ने बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, ऐसी बैटिंग की है ना, अमूमन इस सिचुएशन में टीम्स जो है ना गिवअप कर जाती हैं, टीम्स हार मान जाती हैं, टीम्स जो है ना डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलना शुरू हो जाती हैं, टीम्स जो है ना वो डर जाती हैं, वो लड़खड़ाना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसा माइकल ब्रेसवेल ने मैच का पासा पलटने की कोशिश की, बहुत ही जबरदस्त किस्म का उसने 100 मारा, और तगड़ा और लंबा सौ जैसा मारा, तगड़ा लंबा सौ मारा है। अगर माइकल ब्रेसवेल थोड़ी देर और विकेट में ज्यादा खड़ा हो जाता तो वो न्यूजीलैंड को ये मैच जिता देता। लेकिन मुझे एक बात पे इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा में गिला है कि आप लोग रिलैक्स क्यों हुए थे। मतलब देखे ना, अगर 110 पे 5 आउट है, आप अपने मेन बॉलर से आप ओवर करवा देते, आप कुलदीप यादव से आप ओवर करवा देते, यू शुड हैव गॉन फॉर द किल। यही मुझे रोहित शर्मा की कैप्टनसी में मुझे अच्छी चीज नहीं लगी कि 110 पे जब आपके 5 आउट थे देन यू शुड किल द गेम अर्ली। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। माइकल ब्रेसवेल ने बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली, माइकल ब्रेसवेल ने दिखाया कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग। कुलदीप यादव ने भी मुझे बहुत इंप्रेस किया। कुलदीप यादव एक चाइनामैन बॉलर है, और आपको पता है चाइनामैन बॉलर भी समटाइम ट्रिकी होते हैं। चाइनामैन बॉलर्स का आपको ये नहीं पता होता कि उनका बॉल किधर पिच होगा, किधर उनका बॉल पिच नहीं होगा। लेकिन अच्छी चीज मुझे लगी, न्यूजीलैंड का ना केन विलियमसन आया था ना टिम साउदी आया था, फिर भी जो है ना माइकल ब्रेस उन्होंने ट्राई की थी कि ना ये टारगेट जो है ना हम चेज करने की कोशिश करें। अच्छा अच्छा ये लगता है कि जब आप फाइट करते हो, जब आप फाइट करने की कोशिश करते हो तभी आप मैच में जो है ना प्रेशर डालने की कोशिश करते हो। लेकिन इंडिया ने मुझे लगा एक मिस्टेक की थी, उन्होंने उमरान मलिक को नहीं खिलाया। अगर वो उमरान मलिक को खिलाते तो उमरान मलिक भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उमरान मलिक के पास तगड़ी पेस है, उसके पास तगड़ी लाइन है, लेंथ भी है, तगड़े बाउंसर भी करता है। और मुझे इंडिया वालों को अब शायद एहसास हो गया होगा सेकेंड ओडीआई में कि अब हमें इमरान मलिक को खिलाना चाहिए। अगर वो इमरान मलिक को फर्स्ट ओडीआई में खिलाते तो ऐसी मुसीबत ना पड़ती। जो मैच जो है ना जीता हुआ है ना उसको इतना ज़्यादा टफ नहीं बनाना चाहिए था टीम इंडिया को, उन्होंने ये मिस्टेक की थी। तो चले आज के लिए इतना ही, मेक श्योर करें इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।